हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद से। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड 185 का पहला पार्ट। इस पार्ट का काफ़ी वेट है, देखते हैं भाई, क्योंकि अब कृष्णा जी आए हैं तो वो आगे अब देखते हैं मिलकर भाई। अब मामा कंस जो है ना, सारे संसार को आशीर्वाद देने वाला विष्णु आपके आशीर्वाद की याचना करता है। मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए माता। देखो आप कैसे बचते हैं भाई। और ये मोर किधर गया? ये बेचारे छोटे छोटे के साथ बहुत खेल। भाई तेरा दोबारा ट्राई करेगा मुझे लगता है, चेक करने के लिए। गुस्सा निकाल रहा है। देखते हैं भाई, वो तो अब देख रहे हैं। देखते हैं। बचना कैसे नहीं? हाँ जी, अभी भी आपको कोई डाउट है? हाय वासुदेव, आप पता चला कौन थे वासुदेव? हंस रहे हैं। मैं अपने पुत्र को गोकुल ले जा रहा हूँ। मेरे मित्र नंद के रक्षण में ये सुरक्षित रहेगा। किंतु किंतु कैसे आ रहे? यहाँ कारागार के द्वार बंद है। बाहर सैनिकों का जत्था खड़ा है। बहुत सैनिक आ रहे हैं। इतनी वर्षा हो रही, अवश्य यमुना में बाढ़ आई होगी। ऐसी स्थिति में अभी अभी जन्मे बालक को लेकर गोकुल कैसे पहुंचेंगे? नहीं आ रहे, नहीं। बारिश हो रही है। लो हर चीज, लो जी हर चीज खुल जाएगी। लो जी हर चीज खुल जाएगी। ये भी क्या? सारा रास्ता ही खा दिया। स्वयं ईश्वर को कौन मान सकता है देवकी? हाँ जी, अपना आशीर्वाद दे। फिर भी यार माता है, मुश्किल है। एक बार
हर चीज खुलती जाएगी। सहमत भी सारे इधर ही हैं। रास्ता बनाएगा यार, वो याद आया थोड़ा सीन। हाँ, अर्जुन वाला समुद्रा समुद्रा जब जा रहे थे सीन। और मॉल है यार, पिताजी की भाई एक शौक है। अब कुछ नहीं, एक कतरा भी नहीं गिरेगा ऊपर। क्या बात यार, क्या सीन है, कमाल है यार। पहुंच गए हैं भाई। रुक गए हैं भाई, पिछले पीछे आ गए। आप जाइए पधारिए, ये तो समुंदर बन गया यार। कितनी भीषण रात है वसुदेव। हाँ मित्र नंद, मेरे जीवन की सबसे भीषण रात है जब मैं अपने मित्र से इतना बड़ा बलिदान मांग रहा हूँ। आप बलिदान नहीं मांग रहे हैं वसुदेव, ये समय बलिदान मांग रहा है। हाँ जी, समय बलिदान। और रात देखो, सूर्योदय होने से पहले
हर रात बहुत ही काली प्रतीत होती है, कोई शक नहीं ना, किंतु सूर्योदय अवश्य होता है। मेरी पत्नी यशोदा ने आज रात इस पुत्री को जन्म दिया है, लीजिए वसुदेव, और अपने पुत्र को मेरी रक्षा में दीजिए। अब ये विचार कर लीजिए मित्र नंद, संभव है कि कंस इस कन्या का वध कर दे। यदि ऐसा हुआ तो मेरी पुत्री का बहुत बड़ा उपकार होगा इस संसार में। देखें भाई, इनको भी बेटी हुई है। हाँ? आप समझ भाई, लग गई थी हमें डाउट सारे की, लेकिन यार देखो ना, एक ये सीन भाई, मतलब वो बच्चे एक्सचेंज हो जाएंगे अब, यही समझ लगी हमें भाई। बच्ची को तो वहाँ ले, लेकिन पहले आप देखें कि भाई कैसे कृष्णा जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कितने भाई प्यारा, समुंदर नहीं देखा यार ऐसे हो गया था भाई। देखे हर चीज ऐसे खुलती गई है, ऐसे भाई चलते गए हैं, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। ये भाई ये सबसे ज्यादा भाई महाभारत में पसंद आया सीन। हाँ बहुत ज्यादा ही यार है। देखे ना अब वो जैसे आए भाई। हाँ। मैं पता क्यों नहीं एक्साइटेड हो रहा, आप ना हो भाई आप, क्योंकि एंड पे मुझे जो समझ लग रही है यार, शायद ऐसा ना हो भाई, कुछ नहीं भाई, उनको बेटी हुई है वो इनको देंगे। जब कृष्णा जी आ गया तो बलिदान मुझे लगता होगा, बलिदान वो बेटी का नहीं करेगा भाई, उसको सिर्फ एक एक लड़के से अब है। हाँ ये भी हो सकता है, नहीं हो भी सकता है, क्योंकि ये है कि वो लड़की को छोड़ दे। हाँ ये बड़ा पॉइंट है यार, जो हम ये एक परेशानी पहले जो था वो एक्साइटमेंट थी यार, बहुत पसंद है बहुत भाई। मैं बोल रहा हूँ महाभारत का ये सारा भाई एपिसोड ये पसंद आया है। अब देखे कैसे की पैदाइश हुई, फिर भाई समुंदर में देखो ना ऐसे, ये सीन तो पहले वो हमें दिखा भी चुके एक दफा, वो दिखा वो, लेकिन वो तो अभी कर सकते थे ना खुद, अभी सब कुछ उस वक्त भी उन्होंने किया, लेकिन अब जो छोटे हुए जो सांप आया है भाई, उसने जो है ना वो बारिश छतरा बना लिया, बारिश के कतरे ना ये कतरा भी नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहे थे थोड़ा बहुत छोटे थे ना। हाँ तो इसलिए भाई यार खीर हो अब देखते हैं कि अगला पार्ट, अब देखते हैं, काफ़ी भाई मुश्किल है क्योंकि अब लड़की को लेकर जा रहे हैं भाई और कृष्णा जी इधर ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।